सो लाइव आज फेसबुक पेज गोताखोर प्रगट सिंह और कुछ घंटे पहला एक लवारिस लाश कुड़ी दी 18 साल दी कुड़ी दी लवारिस लाश नहर दे विचों मिली सी जिदा परिवार मिल चुका कुरुक्षेत्र दुराले तो और पुलिस दियां कई टीमां इत्थे मौजूद ने SHO KUK SHO झांसा और उस तो बाद CIA दियां टीमां और तमाम जो पुलिस दे लोग ने ओ हजारां दी गिनती विच परिवार भी इत्थे मौजूद है और पुलिस दियां कई टीमां मौजूद ने और परिवार दा आरोप है कुरुक्षेत्र पुलिस दे उत्ते और पुलिस दे नाल उन्हां ने सीधे तरीके नाल लड़ाई तुसी लाइव वेख रहे हो पुलिस और परिवार दी झड़प हो रही है। सो हंगामा हो रहा परिवार और कुरुक्षेत्र पुलिस दे विच परिवार ने आरोप लाया कि पुलिस ने 3 दिन पहला साडी कुड़ी नू मार के सुटिया सी एक ओदे किसे फ्रेंड ने पुलिस ने साडी जान भी नहीं कीती और साडी कुड़ी दी लाश नहर दे विचों मारी के सुटी हुई है। सो पुलिस दे नाल सीधा टकराव है परिवार का सो लड़की दे गल च फांसी लगी हुई मिली है कुड़ी नू मार के सुटिया गया है। सो अपील की गोताखोर प्रगट सिंह फेसबुक पेज गोताखोर प्रगट सिंह दे नाल जुड़ो ताकि हर खबर तुहाडे तक पहुंचती रहे। नवा पेज फेसबुक पेज गोताखोर प्रगट सिंह दे नाल तुसी सारे जुड़ो ताकि हर खबर तुहाडे तक पहुंचती रहे। सो CIA इंस्पैक्टर प्रतीक जी SHO झांसा SHO कुरुक्षेत्र डायल 112 कई पुलिस दियां टीमां भी इत्थे हुण मौजूद ने। CIA प्रतीक सो CIA दी टीम ने जदों उस मुजरिम नूं फड़िया और उन्हें 2 घंटे दे विच रिमांड दे दौरान कबूल किया कि मैं लड़की नूं मार के नहर दे विच सुट्टिया है। सो अज टीम सर्च कर रही थी साथी सिंदर नरिंदर गुरविंदर दे नाल और लड़की दी लाश मिलन तो बाद असी परिवार नूं सद्या पुलिस दियां कई टीमां इत्थे मौजूद ने और परिवार मौजूद है। सो लाइव दे नाल जुड़ के शेयर जरूर करी जाना। सो कुरुक्षेत्र नहर तो लाइव हाँ जी हुणे हुणे एक 16-17 साल की कुड़ी की लाश मिली थी जिन्हों मार के नहर दे विच सुटिया गया सी और परिवार पहुंच चुका है पुलिस दियां कई टीमां कुरुक्षेत्र तो दराले दी रहने वाली कुड़ी सी 16 साल दी। सो प्लीज अपील करते हैं कि नाल नाल शेयर जरूर करी जाना और फेसबुक पेज गोताखोर प्रगट सिंह नाल जुड़ो ताकि हर खबर तुहाडे तक पहुंचती रहे। हाँ एम्बुलेंस आने लग रही है लिया मेरे को लिया लिया आगे 2 मिनट चाहिए आ गई हो बारी आ गया हाँ बस नरिंदर कड्डो पर आप पैकिंग करो मुलाजम साथ लो कोल कपड़े कुपड़े लिख लेंगे सो लाइव आज कुरुक्षेत्र पुलिस के नाल परिवार की झड़प हो रही है। पुलिस के उत्ते आरोप है कि उन्होंने साडी कार्रवाई सही नहीं की थी। और मुंडे नूं अरैसट किया और उन्हें फिर मनिया कि कतल करके नहर दे विच मैं कुड़ी नूं सुट्टिया। सो टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और फेसबुक पेज गोताखोर प्रगट सिंह नाल जुड़ो
और पुलिस दियां तमाम टीमां इत्थे मौजूद ने। CIA तो डायल 112 कुरक्षेत्र पुलिस दियां कई टीमां इत्थे मौजूद ने। सो लाइव नाल जुड़ के शेयर जरूर करी जाना। कौन जानकारी देगा डॉक्टर की लगती? एक तारीख को रात को 10:30 बजे वो वहाँ से घर से अचानक गायब हो गई थी और कोई लेगा तो उसको बैठा के छोटी उम्र है बहला फुला कोई लेगा था। तो रात को फिर हमने अपने लेवल पे तलाशी अभियान चलाया, जो भी था हर जगह तलाश की। तो 2 बजे हमें मालूम हुआ कि जर्नैल नाम का एक लड़का था जो उसको किडनैप करके लेके गया है। तो हमने झरसा पुलिस के सहयोग से उनको घर से रंगे हाथों जाके पकड़ा था। बट उसके पास लड़की नहीं थी, बट उसकी जो भी सस्पेक्टेड कंडीशन थी ये कहती है कि कुछ ना कुछ वो वारदात करके आया है। हम उसको लेके झरसा थाने में गए हैं। झरसा थाने में जो भी कार्रवाई थी उसको डिले कर दिया गया ड्यू टू की कहने लगे कि वहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, जब लाइट आएगी तो तभी हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे, FIR तभी दर्ज करेंगे, ऐसे हम FIR दर्ज नहीं करेंगे, लाइट नहीं है हमारे पास। तो हमने हंगामा किया तो उस टाइम जो भी मौजूदा वहाँ अफसर थे उन्होंने बोला है कि आप घर चले जाइए, जो भी कार्रवाई है हम करके आपको बता देंगे। 2-3 दिन में कॉल डिटेल आएगी और कॉल डिटेल आने के बाद ही आपको हम जो भी है आगे की जानकारी दे पाएंगे। उसके बाद हम गए हैं, उन्होंने बोला 4 बजे बुलाया है, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई सबूत हाथ में नहीं लगा है तो हम उनको छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो हमने सारे जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं मिलके SP साहब मैडम से मिले हैं, उन्होंने हमें सलीह दिया कि आपका हर संभव मदद की जाएगी, जो भी आपके केस से रिलेटेड है आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो उन्होंने फिर हमारा केस CI2 में ट्रांसफर किया है इंस्पेक्टर प्रतीक जी के पास। तो उन्होंने फिर आगे कार्रवाई अमल में लेके आके फिर एक क्लियर होया कि कुड़ी नु मार के नहर दे विच सुट्टे आ गया। वो भी एक्चुअल में उसके बारे में भी अभी पता लगा, सुबह ही पता लगा कि उन जब टॉर्चर किया गया है उनको जनरल जी को, तो तब उन्होंने बताया है कि उसका ऐसे करके हमने नहर में फेंक दिया है मार के। ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने मार के फेंका, कैसे फेंका ये चीज नहीं बताई उन्होंने। अच्छा, तो आगे अब दरखास्त करेंगे सबसे कि जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। और लड़की का नाम मुस्कान डॉक्टर ऑफ सतपाल सिंह। सो परिवार का बयान सुनिया और एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है और सिद्धे तरत प्रगत सिंह और उसकी पूरी गोताखोर टीम का आप हमारी तरफ से और हमारे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है इस सेवा के लिए, जो भी आपने हमारी हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो एम्बुलेंस पहुंच चुकी है जी, टीम कुरक्षेत्र पुलिस दिया सारिया टीम CIA तो लैके हर टीम मौजूद है, परिवार मौजूद है। मुस्कान लड़की का नाम है, 16 साल की उम्र है और लाश नहर दे विच्चों मिल चुकी है। सो फेसबुक पेज गोताखोर प्रगट सिंह दे नाल जुड़ो और नालों नाल इस खबर नू शेयर जरूर करो। तो लाश लजान तो मना कर रहा परिवार भी, असी लाश नहीं कढ़नी नहर दे विच्चों, पूरी कार्रवाई होने तो बाद ही लाश इत्थों जाएगी। वो लदन नहीं दे रहे हंगामा हो रहा पुलिस और प्रशासन और परिवार के नाल, और परिवार कहता कि लाश नहर के 2 बजे नहीं कढ़ी जाएगी। सो 16 साल की लड़की मुस्कान जिदी लाश नहर के विचों मिली और परिवार का हंगामा, परिवार और पुलिस के विच हंगामा लगातार हो रहा। सो पुलिस दियां कई टीमां तुसीं वेख सकते हो, डायल 112 तो लैके पुलिस दियां कई टीमां इत्थे पहुंच चुकियां ने, लाश मिल चुकी है और डायल 112 दी टीम है, एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और लेकिन हंगामा लगातार जारी है। पता नहीं जी, पुलिस बिकाऊ है, लाश इतो नहीं जाएगी परिवार कह रहा, बाकी पुलिस हम समझाएगी, मौके पर DSP साहब आएंगे, उस तो बाद की कार्रवाई चलती रहेगी। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।